स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तराखंड के इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। और आज जा रहे हम शादी में, तो चलिए फिर चलते हैं। अगर जो आप भी चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चावल भिगाने के लिए इधर पानी गर्म हो रहा है, तो इसमें बन रही है दाल। और ये अच्छा। हमारे दादाजी पंडित जी, तो चावल का सारा कारोबार इनको संभालने के लिए दिया है। तो ये है पंडित जी, यहाँ पे ना किचन में सिर्फ एक ही आदमी आता है, तो वो दादा को दिया गया पूरा काम। तो यहाँ पे बन रही है दाल, एकदम ये दाल बन रही है, हैं? और ये सब्जी है। अच्छा, सब्जी बन गई? ये सब्जी बना के निकाल दी। अच्छा, ये न हो तो आप देख भी लो ये। और बहुत ही बढ़िया, मतलब ना ये चाहे बराती 400 हो चाहे 500, चाहे बराती 400-500 तो उनका खाना यहीं पे बनेगा। तो ये पानी चढ़ाए चावल के लिए, चावल के लिए है। और बस आधा घंटे के बाद खाना तैयार, ठीक है दादा। तो अभी यहाँ पे चावल के लिए जो पानी गर्म हो रहा है तो चावल चढ़ेंगे। तो ये थी पहाड़ी किचन, चाहे बराती 400-500-150 कितने भी हो, सबका खाना यहीं पे ही बनेगा और चूल्हे में बनता है। तो अब है प्रदीप भाई की हल्दी रस्म होगी। नहीं, दाँत आ रही है मेरी, नया दांत आ रहा है ना इधर से, पूरा गाल सूख गया। अब वर्द हो गया मेरा यहाँ पे आना। देखो ये इस साइड का सूख गया, एक और मार दे। और सीमा भी देखो, एक साइड और मार दे। अब फोटो मुझे और बनानी पड़ेगी ऐसे, तब आएगी। सीमा कैसी लग रही है कमेंट में बताओ, वो तो शर्मा रही है बोलने में। पटाखा लग रही है, पटाखा। नया फोन दिया गया, और उसका नया फोन। अरे नया फोन, और किसने दिलाया ये भी बता, किसने दिलाया? हाँ देखो, मैंने इसको नया फोन दिला रखा सीमा को, मेरे भाई ने दिलाया। हाँ तो मैं कौन हूँ फिर? तो अभी होगी प्रदीप भाई की हल्दियात, तो मेरे को हो रही है लेट, मैं जाऊँगा बकरियों के साथ। ये यहीं पे यही रहेंगे जल्दी, मेरी टाइमिंग ही 3 बजे की है भाई। फिर भी 3 बजे यहाँ पे हिमा भी आ गई, हिमा भी बैठी, भिक्षा वगैरह भी मांगेगा, नहीं दिखाएगा भिक्षा वगैरह मांगेंगे। पर अभी मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो बकरी करके रखूंगी, मैं तुझे दे दूंगी। हाँ तो मेरे को दे देना फिर, थोड़ा सीमा देखो सूट हो रही है, सीमा ज्यादा इसने ज्यादा ही मेकअप कर दिया सीमा ने। आप ही बताओ सीमा का मेकअप ज्यादा है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ। सीमा ये देखो, ये पीछे जाने देगी, ये देखो। तो यहाँ पे चावल चढ़ चुके हैं चूल्हे में। पीछे हो। ओ हो। तो ये सारा टेंडर ये पंडित जी को दिया जाता है, तो चूल्हे में सिर्फ वही जाते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जाता। हाँ जी हाँ। और अगर जो चूल्हे में आने के लिए लाइसेंस किसको मिलता है? और लाइसेंस मिलता है बकायदा। अच्छा, ये अगर जो आप, हाँ ये जन्यो होना जरूरी है अगर जो आप चूल्हे में जाओगे, तो जूते नहीं होना चाहिए, जूते नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दाल मतलब उधर लगी है और चावल यहाँ पे बन रहे हैं और सब्जी भी है। तो अभी कितने बजे तक हो जाएगा दादा रेडी? हाँ जी, कितने बजे तक? 12:30 में किया बताओ। और ये दादा मतलब पहली बार नहीं है ये, जब भी खाना बनता है शादी ब्याह में तो दादा को ही बुलाया जाता है हमेशा। 42 साल तक बताओ, 46 साल से बनाते आ रहे हैं। और दादा को तो इस एरिया में तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, दूर दूर तक भी जानते होंगे। एक दादा कितने आदमियों का है ये अंदाजे? 130-140 आदमियों का दाल चावल बने। अच्छा, खाना एक आदमी का 200 ग्राम दाल भात सहित, दाल चावल सहित। तो ये भी एक तरीके से बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपका काम ये, कि भाई मैं प्रत्येक का मतलब फोटो दिखा। हाँ हाँ,
हैं अन्य दिखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा मैं फोटो नहीं खींच। एक तरीके से जिम्मेदारी का काम भी है, जवाबदारी का काम है, सबसे बड़ी जवाबदारी भी है इसमें ना। तो अभी मेरा बकरे के साथ जाने का टाइम हो गया, बकरे भी ले जानी पड़ती है ना, तो उनको चराने कौन जाएगा, तो अभी चलते हैं उनके साथ। और यहाँ पे रात के खाने का इंतजाम हो रहा है, सब्जियाँ वगैरह काट रहे हैं बिल्कुल। और ताऊ जी, सोबिन भाई, सब लगे पड़े अपने अपने काम में। आप क्या कर रहे हो मनीष भाई? वो तो मैनेजर क्या करेंगे भाई, दिल्ली वाले यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे अभी, हाथ पैर हमारे ठंडे हो रखे हैं। ठंडे तो चलाओ ने करेंगे इनको गरम। एक सुबिन भाई है जिसे मैं सुबह से देख रहा हूँ काम करता हुआ अभी तक, भाई एक बंदा है सुबिन जिसके बगैर गांव में काम हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई जी मनोज भाई जी को लगा दिया काम पे, एक और चूल्हा बना रहे हैं एक्स्ट्रा। आओ सर, पार्टी वेलकम। थैंक यू सर। एक चूल्हा कम बनेगी भाई, चाय और पकौड़ी। अच्छा, ये चाय और पकौड़ी के लिए बन रहा है। उधर नहीं तो डिस्टर्ब हो रहे ना वो बड़े बड़े खजाना। और अब यहाँ पे रात के खाने का इंतजाम हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहे कीर्तन। फटाफट से चाय चढ़ रही है अब। हाँ, चाय बनेगी, चीनी सब में बढ़ेगी। हर कोई इसको एंजॉय लेगा। आग भी जल चुकी है यहाँ पे, धैर्य देते हैं अब। खोलो दे, चिंता न कर यार तू। तो भाई जी को अंदाजा है मेरे को लग रहा है पूरा। अरे फुल क्या बने पड़ेगा तुम, मैं तो लगना भाई जी थोड़ा क्या पता चले ले भाई, थोड़ा ज्यादा नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे। हां एक एक खड़ा मसाला है चाय का। हां इलायची भी डाल दे, एक इलायची। हां और एक इलायची हम मुंह में डाल रहे थे, तो मुंह के लिए डालना पे जब से हम डालू चुम्बी तो घी चम डाला। यहाँ पे बन रहा है शाम का खाना, मसाला बन रहा है खाने का, सारे मसाले रेडी है। तो अभी हमारे लिए भी काम आ चुका है, अभी हम भी जा रहे हैं बिस्तर लेने। बिल्कुल बेड काम आ चुका है। और अभी ना हमारे गांव में जो शादी के बिस्तर होते हैं वो है नहीं, तो अभी जाएंगे हम बेड़ा गांव में, जो कि सामने नीचे है वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सारे चाचा मनीष भाई, दीपा, अंकू भी आ गया, परवीन भाई पीछे, मेहरबान, सोविन भाई, जयपाल, सारे लोग, इतने लोग हम जा रहे हैं बेड़ा, और वहाँ से लेके आने में बिस्तर। चलिए फिर आगे थे लेडीज फर्स्ट। तो हम अभी आए हैं यहाँ खेतों में, जाते जाते बीच में खेत आते हैं, और यहाँ हमें दिखे ककड़ी, और यहाँ पे पुराने ककड़ी चोर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या अंकु आप कुछ बोलना चाहोगे? मुझे शर्म आ रही है। अंकु को आ रही है शर्म? अंकु क्या अच्छा ककड़ी कहाँ है? ककड़ी है ही नहीं ककड़ी का। अरे वो हाँ फरी दौड़ तो हम आज ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको इनका एक्सपीरियंस देखेंगे हम। चलो चाचा की चील की निगाहें हैं। अरे यार ककड़ा तो ककड़ी तो वो उधर ककड़ी लेने गए हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि कोई गांव वाला देख न ले क्या हमें। तो हमें ये दो ककड़ी मिली है, और खेत मत दिखाना कि किसका था। ये देखो वाह, तो ककड़ी तो हमने चोरी है, पर ये खिलाएंगे हम उन लोगों के भी जिन्होंने टपाई नहीं है। तो अगर सबको मिलेगी गालियाँ सबको बराबर मिलेगी। तो वो अभी उधर से आ रहे हैं, तो अभी ये मर्च भी है इधर, जिसको मर्च खानी है वो मर्च भी खाएगा। यहाँ मिर्ची भी है, ये पूरी मिर्च की खेती है।
यहाँ देखिए कैसे घुस रहे, हल्का नमक भी हो गया उसके साथ में। ये देखिए कितना बड़ा कितना बड़ा हिस्सा पकड़ा है। अभी अभी बिस्तर लाएंगे तो सबसे ये लाएंगे भी नहीं, सबसे कम की बात तो दूर है। ये देखिए और मेहंदी वाले पैरों से चलना पड़ रहा है यहाँ पे। आप लोगों को सोचने वाला क्या, बारात जाना था, बारात नहीं जाना था, जिस तरह लगा कई लोग सोच रहे हैं कि हम कहीं बारात बारात जा रहे हैं ना, तो उनको बता दे कि हम तो भाई बिस्तरों के लिए आए हैं, दिहाड़ी पे आए नहीं थे। तो अभी सब थक गए, ये मेरे पीछे दिख रहे होंगे आप, ये बैठा गाँव है। यहाँ गांव के बीचों बीच में देखिए आप, ये बद्री विशाल भगवान का मंदिर है, गांव के बीचों बीच में बना रखा है इन्होंने। और अब तो क्या बढ़िया से बाउंड्री वगैरह भी बना दी इन्होंने, तभी तो बंद है। प्लीज शाम को यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, लाउड स्पीकर भी लगे ऊपर देखोगे तो आप, और गांव तक आवाज आती है हमारे। तो हम सुभाष भाई के घर में आ रखे थे, ये है ही नहीं घर में, बताओ। तो आधे मकान तो बेड़े में ये नीचे है और आधे ऊपर की साइड है और आधे इस साइड है और हमारा गाँव ऊपर है उधर। तो बेड़ा गांव में यहाँ पे दुकान है और यहीं से बिस्तर लेके जाएंगे हम। तो अभी क्या हुआ कि बिस्तर वगैरह कम है तो ये एक ही आदमी के लायक है, तो सब जा रहे हैं एक एक करके यहाँ से। और ये आके हम बद्री विशाल भगवान के मंदिर में, तो हम इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे यहाँ के लड़के और कब होगी यहाँ पे पूजा वगैरह। तो मुझे नहीं लगता वो आज जल्दी से आएंगे, इसलिए अब चलते हैं हम घर। और यहाँ पे बन रहे पकौड़े, कितने बने भाई जी? तो यार एक ही टोकरी हुई है। अच्छा, तकरीबन 10 भरनी है। चाय कहाँ गई पाले जी? तो अभी हो रही है यहाँ पे चाय पानी मेहमानों के सबके, और मुझे टीका लगा हुआ है और ये मिला है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। बिस्किट वगैरह उसमें क्या है, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, उसमें बिस्किट है। और यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, सब लोग हमारे गांव के यहाँ पे बैठ रखे हैं और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ बैठी है। क्यों फिर क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? चाय पानी हो रही है इनकी सबकी। हाँ, पियो पियो चाय पियो। सोविन भाई यार, मेन तो सोविन भाई है, चाय वगैरह बांट रहे हैं, इनको चाय वगैरह बांटने का काम दिया है। और भाई ये नमकीन वगैरह बांट रहे हैं। दोबारा मिल गई क्या ये? तो अब मनीष भाई को पकड़ा दी कमान यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने इतनी रोटियाँ बना दी, ये काफी है अभी और बनेंगी। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, सब मिल बांट के काम कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा, चाचा बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं। तो आज भी ये चीजें देखने को मिलती है। क्या बोलूँ, ये बच्चे नॉन एक्सपीरियंस है अभी, इनको समझाना पड़ रहा है कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी। ये हर चीज को मजाक में लेने वाले बच्चे अभी। तो ये ताऊ जी वगैरह भी आर के सराय खेत से हैं और हमारे ब्लॉग देखते हैं। ठीक, तो स्वागत है आपका हमारे वैष्णो गांव में। धन्यवाद धन्यवाद। राम राम। इधर भी ये भी आप ही के गांव के? नमस्कार जी। तो धनिया पनीर मस्त, धनिया भी डाल दिया और इधर छोले। बिल्कुल सेवा रेडी रहते हैं। छोले बन के रेडी है, बढ़िया मस्त। प्रदीप भाई पनीर, और ये स्टाफ के बंदों को ज्यादा देगा। और पुलाव का काम सोविन भाई को दिया है। और सूजी भी बन के रेडी है, सब को काम दिया जा रहा है अपने अपने हिस्से का। ये है पहाड़ी किचन,
धरे जा रहे थे तो सबके पास अपने अपने काम सौंपे गए, सब लेके जा रहे हैं बांटने के लिए। और सूजी इसको क्या दे दिया, सूजी। अरे यार चाचा आप मुझे हमेशा ही दिख जा रहे हैं, आप भी कुछ कर लो सेटो। यहाँ पे मेहमानों को खिलाया जा रहा है। बड़ा जी लिख गया न्यूज लिख दिया जी। अब मैं गिनती कर रहा हूँ, अभी लोग आए नहीं रहे लिखाने के लिए। अच्छा अब बंद करता हूँ। आ जाएंगे ले आ जाएंगे। कब लेकर आएंगे कुछ पता नहीं। हाँ ना ना आएंगे भी धीरे धीरे करके। अब खाने का टाइम हो गया, अब सब लंच कर डिनर करने गए। हाँ बाहर से आए, उन्होंने लिखा दिया। गाँव के तो कल भी लिखा लेंगे आराम से, घर वाली बात है। कल थोड़ी सुबह से जाना है काम, परसों होगा जो कुछ होगा आराम से लिखाएंगे गाँव वाले। अच्छा जी nice. ये दीपा की थाली और कितना मैं खा नहीं पाऊंगी मुझे पता है। तो सीमा को खिला दियो, ये सीमा खा रही है भात। भात पलाव बोल, पलाव भात। हाँ यहाँ भात ही, यहाँ भात ही बोलते हैं। भात चिरे वो पलाव के लिए Oh,